दोस्तों आप लोगों ने क्रिस हेम्सवर्थ की एक्सट्रैक्शन मूवी तो जरूर देखी होंगे। इस मूवी का दो पार्ट है और दोनों ही पार्ट पूरी तरह से एक्शन से भरी हुई है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ सात ऐसी मूवीज शेयर करूंगा जो बिल्कुल एक्सट्रैक्शन वाली फील देगी। पहला मूवी है ट्रिपल फ्रंटियर, 2019 में रिलीज एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी का IMDb की तरफ से 6.5 out of 10 की रेटिंग मिल चुकी है। यह मूवी बेच है एक रॉबरी के ऊपर। इस मूवी में उतना एक्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो एक्शन है वो काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट करती है। बात करें मूवी की स्टोरी की तो मूवी की स्टोरी में देखने को मिलती है 5 आर्मी ऑफिसर जो अपने देश के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तो उनमें से कई रिटायर हो चुके हैं, लेकिन एक ऑफिसर अभी भी है जो ड्रग्स क्रिमिनल को पकड़ती है। तो वो इन सबको बताती है कि एक ड्रग्स लॉर्ड है जिसके पास बहुत पैसा है, इस पैसे से इन लोगों का लाइफ सुधर सकती है। और उस ड्रग्स लॉर्ड का घर जंगल के बीच टाइट सिक्योरिटी के बीच होता है। अब ये 5 सोल्जर प्लान करती है कि ये उस ड्रग्स लॉर्ड के पैसे चुराएंगे। अब ये सोल्जर पैसे को चुरा पाती है या नहीं, उसे जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। अगला मूवी है एंजल हैज फॉलन, 2019 में रिलीज एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.4 out of 10 की रेटिंग मिल चुकी है। इस मूवी की हिस्ट्री की बात करें तो इस मूवी में हमें देखने को मिलती है एक सीक्रेट सर्विस एजेंट। ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पर हमला होने वाला है और अमेरिकन प्रेसिडेंट को प्रोटेक्शन देती है ए सीक्रेट एजेंट, लेकिन प्रेसिडेंट पर हमला होता है और उसका जिम्मेदारी इस सीक्रेट एजेंट पर लगा जाता है। FBI इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। FBI अब इस एजेंट के खिलाफ होता है। ये एजेंट चाहता है कि वो खुद को बेगुनाह साबित करे, इसलिए वो जेल से भाग जाता है। आगे इस मूवी में क्या क्या होता है उसे जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। अगला मूवी का नाम है वांसर, 2021 में रिलीज एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.6 out of 10 की रेटिंग मिल चुकी है। ये मूवी मिशन ओरिएंटेड पर बेस्ड है। मूवी की हिस्ट्री की बात करें तो मूवी की हिस्ट्री में देखने को मिलती है नेवी सील एजेंट और एक लड़की जो CIA एजेंट होता है। नेवी सील एजेंट का नाम होता है जेक। एक अपनी टीम और उस एजेंट के साथ एक कैदी को ट्रांसपोर्ट करने निकलती है। एक कैदी एक ब्लैक साइड आइलैंड पर था। जेक की टीम और CIA एजेंट उस आइलैंड से कैदी को ट्रांसपोर्ट करने से पहले उस ब्लैक साइड जेल पर टेररिस्ट अटैक करती है। अब ए टीम और CIA एजेंट अब जेक की टीम और CIA एजेंट उस कैदी को कैसे उस आइलैंड से निकलती है उसे जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। अगला मूवी है व्हेलमैन, 2017 में रिलीज एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी का IMDb की तरफ से 6.4 out of 10 की रेटिंग मिल चुकी है। बात करें मूवी की हिस्ट्री की तो मूवी की हिस्ट्री में देखने को मिलती है एक ड्राइवर जिसे व्हेलमैन कहा जाता है। व्हेलमैन रॉबरी करने वाले रॉबर्स को ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है। ये व्हेलमैन सिर्फ चोरों के लिए काम करती है। व्हेलमैन अपनी लाइफ अच्छी खासी जी रहा होता है और एक दिन दो रॉबर्स रॉबरी करने के लिए एक जगह पर आते हैं। व्हेलमैन दोनों रॉबर्स को ले आते हैं और रॉबर्स रॉबरी करने के लिए अंदर जाता है। तभी व्हेलमैन पर एक कॉल आता है जो एक कहता है वो उन दोनों के पैसे ले उन दोनों को छोड़ के चले आए। व्हेलमैन वैसा ही करती है। व्हेलमैन को पैसे को एक ट्रांसपोर्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। इसी वजह से वो कुछ गैंग के बीच फंस जाता है जो उसे मरना चाहता है। अब इस मूवी में आगे क्या क्या होता है उसे जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। अगला मूवी द कोवेनेंट, 2023 में रिलीज एक एक्शन वॉर मूवी है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.5 out of 10 की रेटिंग मिल चुकी है। मूवी की स्टोरी की बात करें तो मूवी की स्टोरी में हमें देखने को मिलती है एक सोल्जर जिसका नाम था जॉन। एक कहानी है अफगानिस्तान के वॉर के समय जॉन अफगानिस्तान पर तालिबान के अड्डे को ढूंढ के उसका सफाया कर रहा होता है। एक दिन जॉन को पता लगता है कि अफगानिस्तान पर एक जगह पर तालिबान का अड्डा है जहां पर कई आतंकवादी रहता है। जॉन और उसका दोस्त अहमद उस जगह पर पहुंच जाता है और वहां आतंकवादी पर हमला करता है, लेकिन वहां पर ढेर सारा आतंकवादी होता है जो जॉन के साथी पर अटैक करता है और उसे मार देता है। सिर्फ जॉन और उसका दोस्त ही वहां से भागने पर कामयाब होता है। आतंकवादी की अटैक के दौरान जॉन घायल हो जाता है। अगला मूवी का नाम है शिकारियो, 2015 में रिलीज एक एक्शन क्राइम मूवी है। इस मूवी का IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है। बात करें मूवी की हिस्ट्री की तो मूवी की हिस्ट्री में देखने को मिलती है एक FBI एजेंट जिसका नाम होता है CIA के साथ मिलकर एक ड्रग लॉर्ड को पकड़ने निकलती है जिसका नाम होता है मैनुअल डियाज। लेकिन जब वो मैनुअल को पकड़ने निकलती है तब उसे ऐसे चीजों से गुजरना पड़ता है जो वो नहीं चाहती है। अब केट ड्रग लॉर्ड को पकड़ पाती है या नहीं, केट के साथ क्या क्या होता है उसे जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। अगला मूवी का नाम है विदाउट रिमोर्स, 2021 में रिलीज एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी का IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है। मूवी की स्टोरी की बात करें तो मूवी की स्टोरी में हमें देखने को मिलती है एक नेवी सील एजेंट जिसका नाम था जॉन। जॉन अपनी वाइफ पेम के साथ अच्छी खासी लाइफ जी रहा होता है। उसी के साथ पेम प्रेग्नेंट भी था, लेकिन एक दिन कुछ रशियन आर्मी आके जॉन के घर में अटैक करता है और पेम को मार देता है। पेम की मरने के बाद जॉन उसकी मौत का बदला लेना चाहता है। जॉन अपनी एक टीम को लेकर रशिया जाती है जहाँ पर वो कातिल होता है। जॉन उस कातिल मार पता है या नहीं उसे जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। मूवी आपको प्राइम वीडियो
पर मिल जाएगी। तो इसी के साथ आज की हमारे मूवी की लिस्ट खत्म होती है।